मेरा नाम है मोना और आज मैं बहुत ज्यादा हाइबत में हूँ क्योंकि आज है वो अवार्ड शो जिसके लिए मैं भीख मांग रही थी वोटिंग्स की। पहली बार गाइस हम लोग ऐसे किसी शो में हम लोगों का नॉमिनेशन हुआ है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मेरा नॉमिनेशन हुआ था लेकिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अपनी जगह छोड़ दी। शुक्रिया आपके एहसान के लिए। मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि जब आपका बेस्ट फ्रेंड जीता है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो वो वाली फीलिंग कैसी होती है? आप ही ने क्लियर बोल दिया, आपका बेस्ट फ्रेंड जीता है, नॉट जीती है। जीत रही होती है, उनको भी अंदर से पता है कि कौन जीतेगा। टॉप थ्री में कौन है वो हमें पता चल चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि विनर कौन है। इसीलिए अल्लाह की कसम पूरा कल से मेरा जो है दिल ऐसे मचल रहा, हैबत हो रही, मतली हो रही। ये हैबत क्या है मोना, ये क्या बातें कर रही हो तुम? ये मतली क्या होता है? क्या एंग्जाइटी को क्या हैदराबादी में हैबत कहते हैं? गाइस ये जो हैबत होती है ना ये हैदराबादी वर्ड है और मुझे नहीं पता मैं उर्दू में इसका ट्रांसलेट कैसे करूं। विनर कौन है? मुझे पता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है विनर। मैं गाड़ी साइड पे रोकता हूँ, आप ना जो विनर है ना उसकी पीठ पे बैठ के चले जाओ। क्यों जलिए मत? मैं जल नहीं रहा हूँ, कॉन्फिडेंट। नर्वस फील हो रहा है क्योंकि मैं वीडियोस में तो खुल के बात कर लेती हूँ, लेकिन सोचो फर्स्ट प्राइज मैं जीत गई तो मैं लाइव लोगों के सामने क्या बोलूंगी। हम भी बहुत ज्यादा क्यूरियस है और मैं तो बहुत मजे से एंजॉय कर रही हूँ। मोना तुम फिक्र नहीं करो, वो मौका आएगा नहीं क्योंकि बोलने मुझे पड़ेगा। उसामा बड़ी जोश में था, मेरी बेस्टी ने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दिया था और 7:50 पर हम पहुंच गए थे वेन्यू पर जहां पर हमारे अवार्ड शो होने वाले हैं। और ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैंने अपनी बहनों से हैदराबाद की ट्रिप में ही चुरा लिया था। और ये है मेरी बेस्टी मेक श्योर कर रही है कि वो भी खूबसूरत लगे मुझे सपोर्ट करती हुई। और ये है वो जगह जहां पर पाकबान ने हम सब के लिए इतना शानदार और खूबसूरत इंतजाम किया। जाते ही जो पहली कुर्सी मिली मैं उसके ऊपर बैठ गई और उसामा जिया अपने जानने वाले और दोस्तों से सलाम दुआ करने के लिए पूरे हॉल में घूम फिर रहा था। लेकिन उतने में ही मेरी नजर पड़ी एक खास शख्सियत पर जो कि सऊदी अरब के अबहा शहर से जिद्दा शहर में आई थी। और मेरे लिए ये खास इसीलिए थी क्योंकि हम लोग सालों से एक दूसरे को ऑनलाइन फॉलो करते हैं लेकिन ये पहली बार है जो जिंदगी में हम एक दूसरे को आमने सामने मिल रहे हैं और इस बात की खुशी हम दोनों को बहुत ज्यादा थी। अबहा के पहाड़ों में से फाइनली शी इज हियर। फिर मैं अपने छुटकू से दिमाग पर जोर डालने लगी कि ये औरत आखिर इंडिया के किस शहर से है। इसके लहजे में थोड़ा सा खालिस उर्दू नजर आई तो मैंने सोचा कि कहीं शायद लखनऊ से होंगी अंदर। मुंबई से, फ्रॉम मुंबई। तो आप थोड़ी सी बंबईया लहजे में कुछ सुनाइए प्लीज। अपन कुछ बोलने के मूड में नहीं है। उतनी ही देर में मेरी चुन्नू मुन्नू बहने आमना और खदीजा भी आ गई आज की शाम मेरी खुशियों का हिस्सा बनने के लिए। हैदराबाद और केरला ट्रिप में हजार कलेश करने के बावजूद भी गाइस बहुत ज्यादा मेरे दिल में ऐसी हलचल हो रही है, धक धक हो रहा है। टॉप थ्री में नंबर वन पे कौन है? कौन है? राज है ये अभी तक। हलचल हुई। मेरी बहने मोबाइल की टॉर्च मार मार के एंकर को ही बोल रही थी कि हमारी बहन को ही जिताना, लेकिन एंकर भैया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बोल रहे थे। अब आप ये सोच के परेशान होंगे कि पैकिनियम गोल्डन और ब्रॉन्ज क्यों, क्योंकि अभी अभी आपको पता है ओलंपिक्स में और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया अर्शद नदीम ने। और चूंकि यहाँ पे कुछ इंडियंस भी हैं, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई और हमारी बहने, हम नीरज चोपड़ा को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। अलग अलग कैटेगरी में हर किसी को अपने अपने वोट के नंबर के हिसाब से अप्रिशिएट किया गया। फिर इनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई। इन्होंने गाया कि वे मुखड़े तो नजर हटावा नी तेरे जिया होर दिस्ता, जिसे सुन के मुझे उस प्यार की याद आ गई जो मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करता। कितना सही गाना है। स्ट्रेस का माहौल मेरे लिए सिर्फ अवार्ड शो की वजह से नहीं था बल्कि इसलिए भी था क्योंकि मेरी फैमिली ने आज भी तमाशा करने की ठान ली थी। आज भी मेरी फैमिली हंसी मजाक के पर्दे के पीछे कलेश कर रही थी क्योंकि इतने अच्छे इवेंट पर आकर सच धज कर मेकअप थोप कर हम एक दूसरे के बाल लोच कर कलेश करते तो अच्छा थोड़ी लगता, इसीलिए हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को ताने मार रहे थे खुसफुसाते हुए। यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी हमारे दोस्त की तरफ से कि जैसे ही तुम्हारा नाम आएगा तो हम सब चिल्लाना शुरू करेंगे तुम्हारे सपोर्ट में। मोना जैसे ही तुम्हारा नाम आएगा हम सब शोर करेंगे और जो शोर नहीं करेगा ठीक है मैं खुद चिल्ला लेती जाते जाते, जैसे मेरा नाम आएगा मैं चिल्लाना शुरू कर देती।
और मुझसे पहले मेरी बहन का नाम अनाउंस हुआ, खतीजा आशरा। यहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन कितनी चालाक है। वो टॉप 3 में ना होते हुए भी अपनी रैंप वॉक रेडी करके आई थी कि अगर इन केस उसे कोई भी अवार्ड मिला तो वो स्टेज पे किस तरीके से बिहेव करेगी। फिर और नॉमिनीज की बारी आई अवार्ड रिसीव करने के लिए। मेरी बहन आमना कहने लगी, मैं थका हुआ फील कर रही हूँ, मैं कुछ खाकर अपनी एनर्जी बूस्ट करके आती हूँ, लोगों के सामने कलेश ना करूं, इसीलिए चुपचाप सलीके से मैंने उसे इशारे से बोल दिया कि मुंह पर चमाट मारूंगी अगर यहां से हिली भी तो। जिसे सुनकर उसने अपनी आंखें घुमा ली। सबके स्ट्रेस को थोड़ा लाइट करने के लिए एक खूबसूरत सी दीदी आ गई थी जो कि हमारे साथ क्वेश्चन आंसर वाला गेम खेलकर हमें प्राइसेस भी दे रही थी। ये वाले भैया ने उस सवाल का जवाब दिया और उनको मिला मसाजर, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेचैन थे। इन्हें लग रहा था कि इनका मसाजर कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए बार बार वहीं घूम फिर के उसकी निगरानी कर रहे थे। मेरी हंसी छूट ही रही थी कि एक दूसरा सवाल आ गया कि कौन सा ऐसा फल है जो दुनिया में सबसे पुराना है। क्या मुझे इतना डेस्परेटली ये जीतना था या अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मैं खेल में मजे ले रही थी। हम लोग खुशी से नाच ही रहे थे कि इस फ्री के मसाजर से हम अपनी मसाज करेंगे। उतने में ही दूसरा सवाल आ गया कि इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं, और हम सब गैस मारने लगे और उसामा को पुश करने लगे कि वो जवाब दे ताकि उसे भी एक फ्री मसाजर मिले। बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? मेरी तो 208 है। क्या? हम उसामा के इस जवाब को प्रोसेस कर ही रहे थे अपने दिमाग में कि दूसरा सवाल आ गया कि वो कौन सा जानवर है जिसके दो दिमाग होते हैं। अब हमारी हर वीडियोस में एक हरी कलर की शर्ट में अंकल खड़े हुए नजर आ रहे थे, तो मेरी बहन ने कहा कि अंकल हाथ हिलाकर कैमरे में हमारे व्यूवर्स को हेलो ही बोल दो। उतने में ही एक और जबरदस्त पंजाबी गानों की परफॉर्मेंस शुरू हो गई। और अब आ गई थी सवाल जवाब का खेल लेकर दूसरी खूबसूरत दीदी, जिनके बालों का और ड्रेस का कलर मैची मैची था। हम दीदी की फुटेज ले ही रहे थे लेकिन बीच में आ गए ये भैया। इन्होंने कहा कि हैंडसम तो मैं हूँ, फुटेज मुझे मिलनी चाहिए। दीदी जो सवाल कर रही थी हम उसे चोरी चुपके से गूगल में सर्च कर रहे थे, लेकिन हम इतने भोंदू है कि हमें गूगल पे भी सही जवाब सर्च करने नहीं आया और हम सिर्फ एक ही सवाल का सही जवाब दे पाए, जिसकी वजह से हमें मिला एक फ्री कूपन खाना खाने का बुफे, जिसे मेरी भुक्कड़ बहन आमना चुरा कर लेके भागने वाली थी। लेकिन ये वाउचर तो सिंगुलर पर्सन का था। मैं सोच रही थी कि खाना खाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन अकेले खाने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए किसी और का वाउचर अब मुझे चुराना होगा ताकि मैं किसी को अपने साथ ले जाऊं। गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि मुन्ना का नाम अनाउंस हो। अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बहुत टाइम है। अभी टाइम है लेकिन हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और रेडी हैं। मुझे तो सिर्फ खाना खाने जाना है। गाइस जैसे मेरा नाम आएगा सब लोग भांगड़ा करेंगे। उतनी ही देर में हमें एक और शॉक लगा कि हमारी बहन आमना का भी नाम अनाउंस हुआ है। हम सारी फैमिली को पक्का यकीन था कि इसे सुपर डुपर चुगलखोर का अवार्ड मिला होगा, क्योंकि घर में कोई भी कोई कांड करता है तो सबसे पहले चुगलखोरी करने के लिए आमना ही हमारी अम्मी के पास पहुंच जाती है। अब रात के 11 बजने वाले थे और मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही थी कि आखिर कब नाम अनाउंस होंगे, लेकिन मेरी बेस्टी बोलती जा रही थी कि सबर करो, सबर का फल मीठा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरे सबर का फल चुर चुका है। लेकिन तभी एक सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट हुई कि पहले नंबर पे आने वाले को बाकू की 4 दिन की ट्रिप मिलेगी, जिसे सुनकर हम सबकी धड़कनें तेज हो गई और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि अब अपने को पहले नंबर पे तो आना ही पड़ेगा और इस ट्रिप पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी था। पाकबान ने अपनी पूरी टीम को अप्रिशिएट किया उनके हार्ड वर्क के लिए और इतना मजेदार इवेंट इतने शॉर्ट नोटिस पर प्लान करने के लिए और उसको शानदार तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। और अब आ गए थे मिस्टर इमरान सिद्दीकी जो कि पाकबान के चेयरमैन हैं। कि आपने हमें पाकबान का हिस्सा बनाया और आज हम आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर्ड है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अब हमें लगा कि फाइनली विनर का अनाउंसमेंट होने का वक्त आ गया है। तब हमें पता चला कि एंकरिंग करने वाले भैया तो इम्पोस्टर निकले, क्योंकि वो एक सिंगर भी हैं और अब वो एक गाना गाएंगे। हम सब बेसब्री से बेचैन ही हो रहे थे, लेकिन मेरी बहन खदीजा ने इम्पोस्टर भैया को अपना फेवरेट गाना गाते हुए सुन लिया। क्यों छाट हो रहे हैं?
don't deserve this song. अब इंतजार करते करते मेरी बहन आमना या तो मेरे बालों से खेल रही है या तो अपने सर के जू निकाल कर मेरे सर में ट्रांसफर कर रही है। ये सच है कि हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और हमेशा की तरह मेरी फैमिली में कुछ ना कुछ कलेश भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही इम्पोस्टर भैया ने ये गाना गाया हमने कहा कि हटाओ यार, इंजॉय करते हैं। अब हम परेशानी में बैठे ही थे कि एक अनाउंसमेंट हुई। बारी आ गई सलमान इमदाद भाई की। ये हमारे फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा भी हैं और एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ये उन कुछ नॉमिनेशंस में हैं जिनसे मैं हारने से डर रही थी, क्योंकि इनका सालों से अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बहुत तगड़ा है। और यहाँ पर पहला प्राइस जीतने के लिए रूल्स क्लियर थे, जिसके वोट्स ज्यादा होंगे वही जीतेगा, और वोटिंग भी बहुत फेयर थी, कोई भी फेक वोट्स नहीं खरीद सकता था, जिसकी वजह से नतीजे में कोई चीटिंग नहीं हो सकती थी। हर कोई एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो रहा था और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। परेशानी से बार बार मेरा गला सूख रहा था, जिसकी वजह से मैंने सारी बोतल्स पानी की खत्म कर दी थी, लेकिन अभी भी टॉप 3 का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। मेरी एंग्जाइटी देखकर मेरी बहन ने कहा कि पीछे आराम से होकर बैठ जाओ, लेकिन मेरी कुर्सी खींचकर मुझे झटका दे दिया ताकि मैं अपनी सेंसेस में वापस आ जाऊं। अब वक्त हो गया था रात के 11:36। हम सब लोगों का बेचैनी से बुरा हाल था। कैमरे के सामने सब लोग खड़े हो गए थे रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। और 428 वोट के साथ जीते हैं तीसरी पोजीशन पर उसामा जिया। सर्टिफिकेट के साथ उन्हें मिला 500 रियाल। अल्फ अल्फ मबरूक, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह उनको और रिस्क दे और बरकत दे। और दूसरी पोजीशन पर कौन थी वो हमें पता लग गया, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी कि सेकंड पोजीशन वाली लड़की आज यहाँ नहीं आई है। उसामा जिया की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए और शूटिंग करने के लिए हम सब लोग स्टेज के पास पहुँच गए थे और अब तो रिजल्ट बिल्कुल साफ था। To announce the winner. चिंपांजी बन गए सब लोग। अकेले के लिए जाओगी? देखो अभी अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे बता रहा है। ठंडे हो गए मेरा। So the winner won 2024 vote. Any guesses? Any guesses? अरे मोना। यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ। So the winner is Mona Ashraf. We have 500 riyals from Riyal Foods, a shield from Pakban, and a trip to Baku from Mr. Fahad. बट पार्टी अपने पैसों की होगी वहां पे। क्या इस 500 रियाल में एक जीरो बढ़ा सकते हैं हम, ताकि मैं इस ट्रिप को एंजॉय कर सकूं? हम घटा सकते हैं जो भी चलेगा चलेगा। मोना वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। ये पैसा है? पैसा मुझे दे। छुपा के रखो, छुपा के रखो। हेलो, ओके, अभी मुझे मालूम है सब लोग थक गए हैं, खाना खाने जाना है। कोई अगर इधर से हिला सबका पेट खराब होएगा। मेरी स्पीच सुने बिना अगर कोई भी यहाँ से गया तो हिंदी सबको आती है, इधर हैदराबादी भी आती होगी। ओके गाइस, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के नेमत के फजल और करम के बिना कोई भी नेमत हासिल नहीं होती। और अल्लाह की कसम मैं क्या बताऊँ, इतना हार्डवर्क किया, इतने सालों से हम लोग सोशल मीडिया पे है, ये पहली बार
किसी कॉन्टेस्ट में मैं नॉमिनेट हुई हूँ और मैं जीत गई। थैंक यू सो मच पाकवान और उनकी टीम, माशाल्लाह तबारकल्ला, इतना अमेजिंग इवेंट इन लोगों ने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, और हम सब लोगों को जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया अपना हार्डवर्क सेलिब्रेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अलग अलग नेशनलिटीज को एक प्लेटफॉर्म में मौका दिया इक्वली वोटिंग से जीतने का मौका, थैंक यू सो मच। इमरान सिद्दीकी सर थैंक यू सो मच, पाकबान की टीम थैंक यू सो मच, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और भी कुछ बोलना है? रुको, कोई नहीं जाएगा। मैं कल से नर्वस हूँ अल्लाह की कसम, अभी भी शेक कर रही हूँ, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वीडियोस में बोलने की आदत है, ये मेरा पहला पब्लिक अपीयरेंस है, मुझे आदत नहीं है लोगों के सामने बात करने की। जब से पानी भी पी रही हूँ गला भी सूख रहा है मेरा। गाइस आज आप सब भी आए हो, दोस्त लोग भी आए, मेरी बहनें यहाँ पर हैं, आमना खदीजा, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग का यहाँ पे हो, आप लोग मेरे साथ, मेरा सगा खून यहाँ पे मेरे साथ है। ओके गाइस मैं इसीलिए इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, पहले मैंने ऐसे इसके अंदर हिस्सा लिया था कि चलो ठीक है नॉमिनेशन हो रहा है, चलो ठीक है नाम डाल देते हैं, हो गया। फिर बाद में मैंने देखा इतने जबरदस्त अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स जिसके नंबर मेरे से ज्यादा है और मैं यहाँ पर डर गई, लेकिन मुझे हमास आ गया, मैंने कहा लाया शेख मैं भाई जीतूंगी, टक्कर दूंगी सबको। नाम लेके मैं बोलना चाहूंगी कुछ लोगों का जिनको मैं खुद फॉलो करती हूँ, उनका नाम एक तो हमारे फ्रेंड ग्रुप में आते हैं सलमान इमदाद भाई और उनकी बीवी नमो भाभी, हम लोग लाइक इनका कंटेंट नेक्स्ट लेवल एडिटिंग का होता है, नेक्स्ट ब्लॉगिंग होती है इनकी माशाल्लाह। मैं इनसे डर गई थी कि इनकी पार्टी आने जिता दिया तो मैं गई। दूसरे अब्दुल मालिक फरीद भाई, इनका कंटेंट मक्का मदीना के ऊपर इस्लामिक कंटेंट है, पूरी दुनिया से, सिर्फ सऊदीया से नहीं पूरी दुनिया से मुसलमान को फॉलो करते हैं, मैंने कहा मैं गई भाई अब इनको वोटिंग मिलेगी, मैं गई। और जवेरिया जो आज नहीं आई यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, और कौन माशाल्लाह उसामा, और मेरा कंपटीशन अपना चल रहा था क्योंकि मेरे दो बेस्टीज यहाँ पे आए हुए हैं कियाना अदनान और उसामा जिया, मेरे दो बेस्टीज जो जिंदगी के हर भसड़ में मेरे साथ मुझे सपोर्ट करके मुझे संभाल के यहाँ तक लेकर आए हैं ये दोनों, थैंक यू सो मच। और मुझे, मैं जब वोटिंग मांग रही थी लोग फॉलोअर्स थैंक यू सो मच फॉलोअर्स, आपका धमकी देके मैंने आप लोगों से वोटिंग निकलवाई है, लेकिन शुक्रिया कि आप लोगों ने कर दिया, इतना ट्रोल करते हो, इतने हेट कमेंट करते हो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जिता दिया। मजाका कर रही, वो लोग मेरे को हेट नहीं करते, वाओ आई लव इट, थैंक यू सो मच फॉलोअर्स। ये तो बता दो आप रहते कहां पे हो? कहां रहती हूं मैं आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। गाइस ओके एक आखिरी बात कि मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला है, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इतना क्यों एक्साइट हो रही हो, ये कौन सा अवार्ड है जो जीत रहे हो, आईफा अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है। मैं एक बात बता दूं, बचपन में बकाले से सेंटॉप के डब्बों का स्टिकर चुरा के उस सेंटॉप के बुक में मैं जमा करके रखती थी कि मुझे कोई जायजा मिलेगा, कोई प्राइस मिलेगा, घंटा नहीं मिला कभी नहीं, और वो मनहूस किताब कभी स्टिकर से भरती नहीं थी, कभी किसी टप्सी के डब्बे में से जायजा नहीं निकला, मैं कभी कोई चीज जीती नहीं हूं गाइस, कोई खाना खाने नहीं जाएगा, मेरी स्पीच खत्म होने के बाद जाएंगे सब। अच्छा चलो ठीक है रो मत चलो बिस्मिल्लाह खाना खोलते हैं अभी, थैंक यू सो मच। अब बारी आई थी केक काटने की, इवेंट्स के सारे स्पॉन्सर्स और टीम मेंबर्स के साथ मिलकर। मुझे लगा कि पाकबान के चेयरमैन ये केक काटेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ही ये ऑनर दिया कि मैं केक काटूं, ये कहकर कि आज की शाम की जीत तुम्हारे नाम। मेहनत की मैंने अपनी स्पीच में कल रात, जज्जी की तरह जुबान बोला, मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब मेरा हाथ से कोई खाएगा नहीं। इवेंट पर सारे मौजूदा लोगों ने मुझे मुबारकबादी दी और मेरी खुशियों में चार चांद लगा दिए, और फिर करीबी जानने वाले सारे दोस्तों ने मेरी टांग खींची, एक तो मेरे बाकू ट्रिप के प्राइस को ही उड़ा ले गया। क्या चाहिए आपको? हमको पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए, थोड़ा सा मशहूर क्या हुए, हमें भी आपके इनाम में
ईमानदारी चाहिए। पैसे दे दो, बड़े पैसे मिल गए तुम्हें। इनाम मिला ना 500, उसमें से ऐसा लग रहा है $5 million मिल गए हैं। 100 रियाल हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। फिर एक आंटी आई और उन्होंने कहा कि वो हमारी वीडियोस को बहुत इंजॉय करती हैं, खास तौर पे उसामा जिया की। और हमेशा से देख रही हूँ आपको, भी देख रही हूँ टाइम के साथ। और फिर मेरी इस जीत की वजह से मेरे कुछ इंटरव्यूज भी हुए। प्राइस है ट्रिप टू बाकू। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि एक शख्स के लिए, दो शख्स के लिए। नहीं, आप ही के लिए होगा अकेले। अरे अकेले जाऊंगी क्या मैं? नहीं, अब जाके मैं उन लोगों से दूसरे शख्स की भी ट्रिप निकलवा लूंगी। गाइस, आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि ये कौन सा इवेंट है, किसका इवेंट है। ये इनका इवेंट है। ये है पाकबान के क्या है चेयरमैन इमरान सिद्दीकी। दिस इज माई सिस्टर आमना। हाउ आर यू फीलिंग कि तुम्हारी बहन किस चीज में फाइनल जीत गई? और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बहन जीत गई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब खाना खाने जाने वाली हूँ। मेरी बहनों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है दुनिया में, खाना है खाना, ठूसना है बस। अरे बाकू, बाकू की ट्रिप जीत गई। दिस इज माई बेस्टी जो कि आज तड़प रही थी और अपने टोस पे खड़ी हुई थी, इसके हाथ लिटरली ठंडे पड़े हुए थे। अब बच चुके थे रात के 12:13 और अब हो गया था खाना खाने का वक्त। खाने का हॉल था ऊपर वाले माले पर, सारे लोग खाना खाने में बिजी थे और मैं थी शूटिंग में बिजी, इसलिए देर हो गई। तो जल्दी से मैंने अपनी प्लेट उठाई और देखने लगी कि मुझे खाना क्या है। इतने में मैंने देखा कि मेरी भुक्कड़ बहन अपनी भरी हुई प्लेट को और भरने के लिए आई थी, और उसामा जिया थर्ड पोजीशन पर आकर भी इतना खुश था कि वो खाने की प्लेट लेकर ही नाचना शुरू हो गया। लेकिन उसका कहना है कि वो अपना गम भुलाने के लिए नाच रहा था और नेक्स्ट टाइम वो पहली पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मैं खाना खाने बैठी ही थी कि उतने में कोई आकर मिलने लगा। मैं डर गई। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आसपास देखा तो सबका खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, तो अब फाइनली बारी मेरी थी कि मैं सुकून से बैठकर खाना खा लूं। बिस्मिल्लाह बोलकर निवाला मुंह में डाला ही था कि मुझे याद आया हमारा फ्री में जीता हुआ मसाजर किधर है। मैं भाग कर गई उसे ढूंढने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाले फ्लोर पर शूट करते वक्त मैं ही भूल गई थी। और फिर किसी ने बहुत ही क्यूट तरीके से उसे सीढ़ियों पर रख दिया और वो ऑटोमेटिकली चलकर मेरे पास आ गया। तभी मुझे एक और तोहफा आ गया। आप इसमें बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं। आप रिहाम फूड के मालिक हैं? मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव लव्स मैं बोल रही थी। एक ही मिलता है क्या? नहीं नहीं, पीछे लाइन लगी हुई है। पीछे लाइन लगी हुई। और क्या मैं विनर होने के नाते कितने भी थैलियां अपने साथ लेके जा सकती चावल के? जी जी। शुक्रिया गाइस, पैसा बाकू की ट्रिप, खाने के लिए चावल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत रिहाम फूड, थैंक यू सो मच। और फिर हमने अपनी अभा से आई हुई दोस्त को खुदा हाफिज बोला, लेकिन उससे पहले खड़े होकर काफी देर तक बातें की, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से और सही सलामती से खत्म हो गया हमारा आज का ये दिन। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज, और शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। इसी तरीके से प्यार करते रहना। अल्लाह आप सबको खुशियाँ और कामयाबी दे।